हेलो फ्रेंड्स, आई एम कांचन। नोमिस किचन में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं डिलीशियस पालक पनीर की सब्जी। होटल में जैसे पालक पनीर मिलता है ना, सेम उसी तरह से सब्जी रेडी हो जाती है। वीडियो लास्ट तक देखिए। चलो फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। पालक को मैंने ब्लांच कर लिया है। सिर्फ गर्म पानी में पालक को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए उबाला था। उसके साथ मैंने लिया है धनिया, इसे हम मिक्सर में ग्राइंड करने वाले हैं। उसके साथ लिया है बारीक कटा हुआ ओनियन, टोमेटो, गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली। इसका हम एक मसाला बनाएंगे। और मसाले में मैंने लिया है धना जीरा पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और दही। ग्राम पनीर लिया था, उसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और कट कर लिया है। कड़े में डाला था 1 टेबल स्पून ऑयल और उसमें ऐड करने वाली हूँ ओनियन। और ओनियन को हम थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। ओनियन हमारा फ्राई हो चुका है, इसमें ऐड करने वाली हूँ ग्रीन चिली, गार्लिक, टोमेटो और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। मसाला हमारा जो है ना अच्छी तरह से फ्राई हुआ है, हम इसे मिक्सर में डालेंगे और उसकी एक पेस्ट बना लेंगे। 2 टेबल स्पून ऑयल गर्म होने के लिए रखा था, उसमें ऐड करने वाली हूँ हमारे सूखे मसाले। सूखे मसाले के साथ मैंने लिया था 1 टेबल स्पून नॉर्मल घेहू का आटा, जिसे हम रोटी बनाते हैं ना वही लिया है। और मसाले को और घेहू के आटे को हम अच्छी तरह से भूनने वाले हैं 2 से 3 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम स्लो ही रखनी है, नहीं तो फिर हमारे मसाले जल सकते हैं। मसाले हमारे अच्छी तरह से फ्राई हुए हैं, तो इसमें ऐड करने वाली हूँ हमारी मसाले की पेस्ट, जो हमने ओनियन और टमाटर, ग्रीन चिली, अदरक से बनाई थी और उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। दो से तीन मिनट हो गए, जो हमारा मसाला है अच्छी तरह से भून रहा है। इसमें ऐड करने वाली हूँ दही 3 टेबल स्पून और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। और इसे भी हम फ्राई करने वाले हैं। जब तक मसाले साइड से ऑयल नहीं छूटता ना, तब तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। उसके साइड से ऑयल छूट रहा है, आप देख सकते हो। इसी तरह से हमें मसाला फ्राई करना है, तभी हमारी जो सब्जी ना बहुत टेस्टी बनेंगी। तो इसमें ऐड करने वाली हूँ हमारे पालक की प्यूरी। पालक की प्यूरी डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसमें ऐड करने वाली हूँ पानी। पानी आपके हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो, आपकी कितना आपको कितनी ग्रेवी चाहिए। लेकिन पालक पनीर की सब्जी थोड़ी गाढ़ी ही खाने के लिए अच्छी लगती है। इसमें ऐड करने वाली हूँ बारीक कटा हुआ पनीर। और पनीर डालने के बाद हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। तीन से चार मिनट हो चुके हैं और जो हमारी सब्जी है ना अच्छी तरह से रेडी हुई है। हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। आप हमारी डिलीशियस पालक पनीर खाने के लिए रेडी हो चुकी है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा डाला है घर की मलाई। आप ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। नवमित किचन देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।